कौन सा स्कूल है? हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश ठाकुर और आप सभी का दोस्त आपको ले आया हूं अपने यूट्यूब चैनल रजत ट्रैवलॉग के माध्यम से सैर करवाने। तो आज जा रहे हैं हम कुणाल पथरी, और कुणाल पथरी से पहले हम यहां पे स्टेट वॉर मेमोरियल में है, और स्टेट वॉर मेमोरियल जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला में, यहाँ पे मेन मार्केट में आपको दिख जाएगा जब भी आप बाय गगल होके धर्मशाला से आ रहे हो। बाय 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 बाय। जब भी आप धर्मशाला आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर स्टेट वॉर मेमोरियल का जो है दीदार ज़रूर करें। और यहाँ पे अभी हम वॉर मेमोरियल से जा रहे हैं सीधे कुणाल पथरी, तो वॉर मेमोरियल भी आप यहाँ पे घूम सकते हो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंपस भी है, और उसके अलावा यहाँ पे ब्रिटिशियन सीरा टाइम का जो है यहाँ पे GDC कॉलेज, जो कि अपनी हिस्ट्री और इतिहास के लिए काफ़ी जाना जाता है, और नॉर्थ जोन में जो था वो सबसे पुराना कॉलेज है। उस टाइम पे वो ही नाम मात्र एक कॉलेज हुआ करता था, उसकी फाउंडेशन स्टोन भी काफ़ी पुरानी है, तो उसके बारे में भी आप जनरली पता कर सकते हो। तो स्टेट वॉर मेमोरियल से यहीं से आगे हम कुणाल पथरी की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप धर्मशाला आ रहे हो तो धर्मशाला जो है यहाँ करीब जो है नीचे की तरफ आ रहे हो तो 3 या 4 किलोमीटर के करीब आपको आना पड़ेगा धर्मशाला बस स्टैंड से, अगर आप यहाँ पर रुक जाते हो स्टेट वॉर मेमोरियल। तो स्टेट वॉर मेमोरियल से अंदर की ओर यहाँ पर एक जो है रास्ता अंदर की ओर जाता है। तो अभी हम नहान खाएंगे, तो भाई साहब भी अभी से इनसे भी हम इंट्रोडक्शन का देते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू। तो आप यहाँ पे क्या मनाते हो? नान मनाते हो। नान मनाते हो, तो क्या रेट रहते हैं आपका, बताना चाहोगे हमारे घर? 40 रुपये का एक, 70 रुपये के दो। 70 रुपये के दो, तो काफ़ी बढ़िया है और टेस्टी भी है। तो हम बताते हैं आपको नान, तो आप भी जनरली जब स्टेट वॉर मेमोरियल से यहाँ से ऊपर वाली साइड जा रहे हो तो आप नान खा सकते हो, यानी कि यहाँ पे नान इनको बोला जाता है। तो दिखाते हैं हम इसको, तो ये है नान, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है, आई थिंक दिन के टाइम ही चलता होगा ये 11-12 बजे तक, तो दोपहर के टाइम चलता है दोपहर। तो दिखाते रहेंगे हम आगे नेक्स्ट जर्नी, तो इस समय हम वॉर मेमोरियल में है, तो देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग, और ज़रूर चैनल में विजिट किया है या नए हो तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलो। मेमोरियल से सीधे हम आ गए इस वाले रोड पे, और ये स्टेडियम वाला रोड है। आप स्टेडियम से सीधे अगर आप कुणाल पथरी या टी गार्डन आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। तो ठीक, हम टी गार्डन में अभी पहुँच गए। ये जो आप लिंक देख रहे हो ये पीछे सको की तरफ जाता है, यानी कि गगल कांगड़ा की तरफ, और ऊपर से आप जनरली धर्मशाला बस स्टैंड से यहाँ तक जो है बहुत आराम से आ सकते हो। और इन्हीं नज़ारों के बीच जो है आप यहाँ पर जो है टी गार्डन और कुणाल पथरी माता के दर्शन भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर जो ये मेन पॉइंट है इन लिंक को जोड़ता है, चाहे बात करें चाय बागान की, चाहे बात करें कुणाल पथरी माता की, तो यहीं से हमारा सफ़र जो है आगे की तरफ जाएगा। और धर्मशाला का आप बोर्ड भी देख रहे हो, यहाँ पे बोर्ड है आपको जनरली पता चल जाएगा, और आप यहाँ से जो है अपनी जर्नी जो है आगे की तरफ स्टार्ट कर सकते हो माँ कुणाल पथरी की तरफ। तो मिलते हैं हम आपको माँ कुणाल पथरी में, और उससे पीछे भी हम व्यूज़ बताते रहेंगे चाय बागान के। तो दोस्तों, ये है टी गार्डन, और जो मेन धर्मशाला की अट्रैक्शन है ये यहाँ पर है, और यहाँ से ऊपर जो है आप टी फैक्ट्री भी देख सकते हो जिसे नरघोटा के नाम से जाना जाता है। तो कुछ नज़ारे ये भी है, और हम आपको यहाँ से बताएंगे और दिखाएंगे भी इसके बारे में। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कितना हरा भरा ये जो टी गार्डन है, और इसके बारे में भी हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जनरली बताएंगे। तो आगे की तरफ यहाँ से मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पे आप सेल्फी पॉइंट आई लव हिमालय के नाम से भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है घूमने के लिए आते हैं।
भी प्राकृतिक प्रेमी है और धार्मिक जो पर्यटन की जो है सैर भी करना चाहते हैं या यूं कहे तो दर्शन करना चाहते हैं, तो आप भी कुणाल पथरी बहुत ही आसानी से आ सकते हो। ये हिमालय की जो चोटियाँ हैं उनके ठीक नीचे बसा हुआ मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला में स्थित ये मंदिर जो है चाय बागान के साथ ही लगता हुआ है ये। और आप यहाँ से आमतौर पर प्रकृति के जो है बेहद ही सुंदर नज़ारे भी ले सकते हो और कांगड़ा जो वैली है, बात की जाए या कांगड़ा घाटी के नज़ारे भी यहाँ से ले सकते हैं। तो मंदिर का नज़ारा हम पीछे दिखा रहे हैं और मंदिर का जो शिखर स्टाइल का ये टेम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है और कम से कम धर्मशाला से 3 या 4 किलोमीटर के करीब है। अगर आप धर्मशाला बस स्टैंड से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली मैक्सिमस मॉल से नीचे की ओर होते हुए यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी में महज आ सकते हैं। और स्टेडियम से भी यहाँ के लिए अगर बात की जाए दूरी की, तो यहाँ से स्टेडियम की दूरी है 3 या 4 किलोमीटर। तो आप बाया वॉर मेमोरियल होकर यहाँ पे पहुँच सकते हैं बहुत ही आराम से, जहाँ से अभी हम आए हैं। तो यहाँ की अलग अलग मान्यता हैं, तो मंदिर में पीछे आप बोर्ड में लगी हुई हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो और पानी की यहाँ पे उचित सुविधाएं उपलब्ध है। और बात की जाए तो यहाँ पे हर रविवार को जो है भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और आप हवाओं के रुख से देख ही रहे होंगे कि ये प्रकृति के बीच कितना शांत और कितना प्यारा मंदिर यहाँ पे माँ कुणाल पथरी को यहाँ पे समर्पित है। बाकी हम आगे बताएंगे और तो चलते हैं आगे और जुड़े रहिए रजत ट्रैवलॉग से और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जानते हैं इस टेंपल के बारे में और दिखाते भी हैं हम और जानते भी हैं। और जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप टी गार्डन की जो है यहाँ से सैर कर सकते हो और गगल एयरपोर्ट के नज़ारे भी यहाँ से ठीक सामने ही है। पूरा कांगड़ा वैली को आप यहाँ से जो है बहुत ही आसानी से देख सकते हो और बहुत ही मनमोहक जो नज़ारे यहाँ से हो जाते हैं जब भी आप अक्सर धर्मशाला को इस प्लेस को अपनी जर्नी में शामिल करते हैं। तो दोस्तों मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे आई थिंक अंदर जो मेन टेंपल का कॉम्प्लेक्स है माँ की मूर्ति है वहाँ पे फोटोग्राफी अलोन ही है, तो उस कारण हम आपको अंदर वाला व्यूज़ जो है यहाँ से बता नहीं पाए। तो ठीक मंदिर की बात करें तो इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ पे माँ का जो है कपाल गिरा हुआ था, यानी कि सर वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला यहाँ पे गिरा हुआ था, तो इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और धर्मशाला की यहाँ पे लेसर हिमालय की गोद में यूं कहा जाए तो साथ में चाय बागान के लगते ही ये मंदिर यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारों के बीच यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह पर है। आमतौर पर यहाँ पे जो है गगल से भी लोग यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, क्योंकि गगल से 2 लिंक जाते हैं, एक तो आप बाया जो धर्मशाला मेन लिंक है उसको ले सकते हो और दूसरे वाला लिंक जो है गगल से बीच में से होता हुआ यहाँ पे मंदिर पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर बसेस भी जाती है। और आप जब भी इस टेंपल को अपनी जर्नी में शामिल करते हो तो धर्मशाला से महज 3 या 4 किलोमीटर के करीब जो है इस स्थान पे आ सकते हो। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे जो पर्यटन है यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। भारतवर्ष से पूरा साल जो है यहाँ पे पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे बारी बारी से माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं और यहाँ पे मंदिर के बारे में भी जानते हैं और मंदिर की जो इतिहास है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। कहते हैं कि यहाँ पे माँ कुणाल पथरी के ठीक जो आइडल है उसके ऊपर एक जल धारा है, उसमें बारिश का पानी कलेक्ट होता है और बारिश का पानी जो है 12 महीने वो काम आता है और लोगों के प्रति उसमें भी काफ़ी जो है यहाँ पे आस्था है। तो वो पानी जो है बेसिकली वैसे जो कैंसर और अन्य जो बीमारी है उनके काम भी आता है, तो यहाँ से लोग जो है पानी दूर दूर से आके यहाँ पे उस पानी का यूज़ भी अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। कहते हैं कि माँ यहाँ पे हर मनोकामना जो है यहाँ पे भक्तों की पूरी भी करती है और इसके साथ साथ ही रविवार के दिन यहाँ पे लंगर की उचित व्यवस्था भी की जाती है। ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हो, ठीक माँ जो है कपाल रूप में अंदर यहाँ पे स्थापित है और माँ की ठीक आइडियल के ऊपर जो है एक जल धारा है, यानी कि जल की धारा जो बारिश से पानी कलेक्ट होता है वो वहाँ पे स्थापित है। तो कांगड़ा से इस स्थान की दूरी महज 16 या 17 किलोमीटर के करीब है और ये अन्य अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो बहुत अच्छी तरह से रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। आप पठानकोट से यहाँ पे बहुत इजीली 85 किलोमीटर के करीब जो है रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो और पठानकोट एयरपोर्ट से भी आ सकते हो और गगल एयरपोर्ट भी यहाँ पे नज़दीकी है, 6 या 7 किलोमीटर के करीब जो है लगभग आपको यहाँ से गगल एयरपोर्ट जो है दिख भी जाएगा। और वहाँ अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो यहाँ तक फ्लाइट लेके जो है
गगल एयरपोर्ट तक बहुत ही आसानी से आ सकते हो, और गगल एयरपोर्ट से देन हायर टैक्सी अगर आप अपने पर्सनली व्हीकल में आ रहे हो तो पर्सनली व्हीकल में आ सकते हो, और अगर आपने अपना वाहन या कोई टू व्हीलर लाया तो उसमें बहुत ही आसानी से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे चाय बागान है, चाय बागान भी बहुत ही इतिहास जो है उसका ब्रिटिशियन एरा से जुड़ा हुआ है, तो उसका यहाँ पे जो है घूम भी सकते हो, और उसके खूबसूरत नज़ारों को यहाँ पे देखते हुए आप अपने सफ़र को और भी हसीन बना सकते हो। तो भी वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जो है आजकल पूरा साल भर यहाँ पे आते रहते हैं, और ख़ासकर बात की जाए तो बर्फ़ का टाइम भी और स्नोफॉल भी अभी ताज़ी ताज़ी हुई है, आई थिंक कल या परसों भी हुई थी और आने वाले दिनों में भी हो सकती है। तो आप भी जब भी ऐसे धर्मशाला ज़रूर इस प्लेस को अपनी जर्नी में शामिल करना ना भूलें, बहुत ही अच्छी जगह में है। और ठीक चील के पेड़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, पूरा साल यहाँ पे जो है हवा चलती रहती है, और गर्मी में यहाँ पे अपने अलग ही यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो श्रद्धालु भी आए हैं साथ साथ में हमारे, और देख सकते हो काफ़ी उत्साह जो है माँ के प्रति भी है, तो जानते हैं इनसे कि कैसा लगता है यहाँ पे आके इनको और कहाँ कहाँ से ये है। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ से हो? हरियाणा से, झज्जर से। अच्छा, हरियाणा झज्जर से। तो यहाँ पे पहली बार आए हो कि इससे पहले? ना, पहले आया हूँ, 10 साल पहले भी आया हूँ। तो कैसा लगता है यहाँ पे और माँ के प्रति क्या क्या यहाँ पे जो है मान्यता है उसके बारे में भी बताना चाहिए? बहुत ही अच्छा लगता है, जब भी तो यहाँ पे दोबारा आता रहता हूँ बार बार, पहले भी 10 साल पहले आया था, लंबा टाइम निकल गया, फिर से आया हूँ। यहाँ पे क्या महसूस होता है आपको हर बार? बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे आने का दिल करता है, जब भी घर पे रहते पर टाइम ही नहीं मिला था यहाँ पे आने का, अब की बार मिला है तो पक्का आए, कल ही आए थे यहाँ पे, आज यहाँ पे आ गए। तो जगह कैसी लगती है? बहुत ही बढ़िया, चाय बागान के साथ साथ ये जगह भी है, बहुत ही अच्छी लगती है। धन्यवाद जी, आपका नाम? हाँ जी सर, नाम मेरा साहिल है और यहीं से लोकल ही हैं। तो मंदिर के बारे में बताना चाहोगे कुछ? बस यहीं पे आते जाते रहते हैं ट्रैवलिंग। अच्छा, आते जाते रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको ये प्लेस? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अंकल आए हुए साथ में, आए हुए फैमिली के साथ आए। अच्छा, फैमिली के साथ। तो कुछ बताना चाहोगे इस प्लेस के बारे में, कुछ यूनिक चीज़ जो आपको लगती है कि नहीं आना चाहिए और लोगों को? यूनिक तो मंदिर है, वैसे यहाँ का यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। ठीक है, धन्यवाद छोटे भाई। स्थानीय लोग क्षेत्रीय भाषा में इस देवी को कुणाल पत्थरी नाम से पुकारते हैं। इस देवी को कुणाल पत्थरी नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ एक पत्थर का प्राकृतिक कुंड बना हुआ है जो कि वास्तविक रूप से सती का कपाल है। इस पत्थर का आकार एक बर्तन के आकार का है जिसे परात कहा जाता है। ये बर्तन आटा आदि गूंथने के काम आता है। इस बर्तन को क्षेत्रीय भाषा में कांगड़ी में कुणाल कहा जाता है एवं कुंड के नीचे देवी की पत्थर की पिंडी शिला स्थित है, इसलिए इस देवी का नाम कुणाल पत्थरी प्रचलित हो गया है। वैसे ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो इस देवी का नाम कपालेश्वरी देवी है। तो दोस्तों, ये है इन हसीन वादियों के नज़ारे और धार्मिक पर्यटन स्थलों के दीदार हमने आज आपको बताए, और इसी के द्वारा हमारा जो आज का सफ़र है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और सफ़र में मिलेंगे हम जल्द ही। तो देखना ना भूले रजत ट्रैवलॉग, ज़रूर चैनल में विज़िट करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले रजत ट्रैवलॉग के नाम से, और अपने कमेंट ज़रूर सजेस्ट करें, जितना हो सकता है उतना करें ताकि हम उन चीज़ों में भी आगे कार्य कर सकें, और उन चीज़ों में काम करके जो है और अधिक पर्यटन के बारे में जान भी सके और आपको बता भी सके, दिखा भी सके। तो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। तो जब भी कुणाल पत्थरी आ रहे हो तो धर्मशाला में इस प्लेस को अपनी जर्नी लिस्ट में शामिल करना ना भूले, और बहुत ही प्यारा स्थान है। और ख़ासकर यहाँ की जो ख़ास बात है, ये प्रकृति के काफ़ी करीब है और ठीक टी गार्डन के साथ लगता हुआ ही है। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक टी गार्डन के ऊपर हम सोच रहे हैं, बट जितना हमसे होगा उतना हम जितने जल्दी कोशिश कर लेंगे जल्दी टी गार्डन में आने की कोशिश करेंगे, और टी गार्डन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में विज़िट करने के लिए, और जय हिंद जय भारत।